वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज बहुत ही जबरदस्त 4G कीपैड फोन लेके आए 7 डेज बैटरी बैकअप के साथ में। गाइस बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, कोई ऐसा 4G कीपैड फोन दिखाएं जिसके अंदर 7 डेज का बैटरी बैकअप हो और उसमें 2 जियो सिम चल जाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आईटेल का ब्रांड है नंबर 1 जिसके अंदर आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलेगा। साथ में अगर ऑफर फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले। साथ में अगर आप अपनी पुरानी जियो की सिम डालना चाहते हैं तो इस फोन के अंदर आप पुरानी जियो की सिम डाल सकते हैं। तो इसमें आपको जियो फोन के रिचार्ज भी कराने को मिलेगा, साथ में 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप अच्छा कीपैड फोन लेना चाहते हैं 4G जिसमें जियो सिम चल जाती है और सस्ता भी हो, तो गाइस ये फोन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। बहुत ही सस्ता 4G कीपैड फोन है जिसको मैं अनबॉक्स करूंगा और आपको ये दिखाता हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ कंपनी ने पैक किया है, कितने का ऑफर मिलेगा, कितने का रिचार्ज कराना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर ये फोन आपको पसंद आता है तो मैं इसे अनबॉक्स करूंगा और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इस नए को आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। चैनल पे अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। मॉडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आईटेल का मॉडल है, नंबर 1 ब्रांड है जिसमें हमें 7 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे 7 डेज के बैटरी बैकअप के साथ में स्पेशल ऑफर है 99 का जिसमें आपको हैंड फ्री साथ में फ्री मिलेगी। और आपको मैं ये मोबाइल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अमेजोन पर ये फोन अवेलेबल है जिसमें हमें डुअल TLT मिल जाता है, 2 जियो सिम डालने को मिलेगा। और साथ में ये मॉडल मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन दिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं बॉक्स मैंने पूरा ओपन किया हुआ है और ये मॉडल कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ से मॉडल दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमें, तो चलिए गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे कलर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में फोन हमें मिल जाता है और यहाँ पे व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है। और अगर मैं कीपैड की बात करूंगा तो काफी गजब का कीपैड इसमें हमें शाइनिंगदार मिल जाता है। तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टिकर हटा देते हैं और हम आपको डिस्प्ले की बात करते हैं। तो देख सकते ये स्टिकर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें 2.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। और स्लिम बैज की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही स्लिम बैज में ये मोबाइल मिल जाता है। और मैं ऊपर के साइड में आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे एक हमें टॉर्च मिल जाती है। और बात करेंगे यहाँ पे बैक साइड में तो एक हमें डिजिटल कैमरा मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे डिजिटल कैमरे के साथ में एक स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे आईटेल लिखा हुआ है। तो गाइस सबसे नीचे के साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे V8 का चार्जर मिल जाता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। और गाइस इसमें हम एक बार बैटरी लगा के दिखाएंगे और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको फीचर्स दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 mAh की बैटरी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1200 mAh की बैटरी है, 7 डेज बैटरी बैकअप है और ये 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है। 2 जियो सिम डाल सकते हैं। यहाँ पे 5G इसमें नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 5G नॉट सपोर्ट और 4G सपोर्टेड बाई इंडिया 3G 2G, यानी कि 4G 3G 2G दोनों सपोर्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग की वारंटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 साल की आपको वारंटी कार्ड इसमें मिल जाता है। इसमें एक बार बैटरी डाल के आपको दिखाते हैं। बैटरी डालने से पहले आपको दिखाऊंगा इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इसमें अब एक बार यहाँ से बैटरी डाल के आपको दिखाते हैं। बैटरी डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस एक हमें यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाता है, जैसे कि 1 साल की आपको वारंटी मिलती है। एक यहाँ पे V8 का चार्जर मिल जाता है और मैं यहाँ पे एक 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है जो मैं इसमें आपको एक बार डाल के दिखाऊंगा। तो बैटरी डालने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें 2 सिम डालने को मिलेगा। एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, 1 साल की वारंटी है और मेमोरी कार्ड अगर डालना चाहते हैं तो आप इसमें 32 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम एक बार बैटरी डालेंगे और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको इसके फीचर्स दिखाएंगे, जो जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इसके अलावा भी क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो गाइस मैंने इसमें बैटरी डाल दी है और इस तरीके से इसे यहाँ पे चालू हो रहा है। तो गाइस ये अभी यहाँ पे चालू होगा, चालू होने के बाद इसमें देखेंगे हमें क्या क्या आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ आईटेल लिख के आएगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किंग वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है ये हमें 2.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें हमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिल जाता है। वाइब्रेटर है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है और यहाँ पे वाइब्रेटर के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस FM भी मिलेगा। और बात करेंगे यहाँ पे किंग वॉइस की तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसमें हमें किंग वॉइस भी मिल जाता है, जैसे किसी का फोन आएगा तो ये अपने आप बोलता रहेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेविंग मोड है, 1000 कॉन्टैक्ट भी इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मेमोरी कार्ड अगर डालना चाहते हैं तो 32 GB का मेमोरी कार्ड डालेंगे। साथ में अगर आप इसमें फेसबुक वगैरह चलाना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें चला पाएंगे क्योंकि फेसबुक इंटरनेट ब्राउजिंग इसमें आपको मिल जाता है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, इस समय मैं अमेजोन पर हूँ, ये देख सकते हैं आपको अमेजोन लिखा हुआ है और गेट बाय ये फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर्स ऑनलाइन में मिलते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूँ ये लॉन्चिंग डेट है 25 अगस्त की है, 2022 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। लेकिन ये फ़ोन अच्छा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 4G मोबाइल दिखाएं, तो गाइस देख सकते हैं ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है गाइस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आईटेल का ब्रांड है। मॉडल आपको दिखाऊंगा तो मैजिक एक्स है। और सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डुअल GSM सिम
आप लगा सकते हैं, यानी कि दो जियो सिम भी लगा सकते हैं, अदर में आप कोई भी और सिम भी लगा सकते हैं गाइस। ठीक है, नेटवर्क की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 5G नॉट सपोर्टेड है और यहाँ पे 4G सपोर्ट बाई इंडिया, 3G 2G गाइस। तो यहाँ पे आप ये लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 4G आपको चलाने को मिल जाएगा, इसमें जियो सिम आप 4G ऑलरेडी होती है गाइस। ठीक है, तो अगर इसमें कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पे रियर कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे 0.3 MP का कैमरा है और ये कैमरा मैं आपको एक बार यहाँ से चला के भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैमरा कितनी स्पीड से चलता है आप ये देख सकते हैं, और ये कितना साफ़ सुथरा है ये भी आपको दिखाने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, इसमें आपसे कुछ दिख रहा है। तो गाइस ये फ़ोन में आपको फेसबुक वगैरह लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके यूट्यूब वगैरह अगर चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। वैसे फ़ोन काफ़ी अच्छा और सस्ता भी है गाइस। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ से देखो दिखाता हूँ आपको इसमें ये आता कितने का है। तो गाइस सबसे पहले तो आप मोबाइल देख लीजिए, यहाँ पर वाइट और ब्लैक में दोनों तरीके से ये फ़ोन अवेलेबल है। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसको मैं आपको एक बार ये बता दूँ कि आप अगर आप जियो सिम डालते हैं तो आपको यहाँ पे 91 और 75 का रिचार्ज कराने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 91 75 का रिचार्ज इसमें नहीं चलता है, इसमें रिचार्ज चलता है 149 और ये 209 का या फिर 249 का गाइस। ठीक है, स्मार्टफोन का अगर आपके पास सिम पड़ा हुआ है तो वो आप अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो आप इजीली इसको चला पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ में आपको इस फ़ोन में जियो का जो रिचार्ज होता है वो आप नहीं करा पाएंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं अमेजोन पे 1599 रुपये का फ़ोन आता है। अगर ये फ़ोन आपको पसंद है तो इस फ़ोन को आप इजीली खरीद पाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है गाइस। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना।